तो वुमेन सिंगल्स के दो ऐसे प्लेयर्स जिनके बारे में डिस्क्राइब करते करते मैं आपको एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करने आगे बताता रहूँगा, वो ये है कि जैसे इंटरनॉन के बारे में बताया जाए तो कुछ चीज़ें उनकी ऐसे नहीं है कि टॉप क्लास लेवल पे हो, जैसे फुटवर्क उनका सबसे टॉप क्लास है या फिर उनका गेम प्ले, सॉरी टीम गेम प्ले है वो टॉप क्लास लेवल पे हो, कोई भी ऐसी चीज़ उनके पास नहीं है जो बोल सकते हैं ना कि सारे लोगों से एकदम स्टैंड आउट करे। बट एक चीज़ जो ऐसी उनके पास है वो है स्टेबल स्टेबलनेस, और स्टेबलनेस बहुत सारे प्लेयर्स के पास नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ही बताऊं आपको, तो तुनजुंग के पास, जो तुनजुंग है, ग्रेगोरिया तुनजुंग थाईलैंड से, वो थाईलैंड से या शायद इंडोनेशिया से, सॉरी इंडोनेशिया से, वो उनकी गेम प्ले अगर आप देखोगे, उनका फुटवर्क आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बट उनकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी सिंक्रोनाइज में रहती ही नहीं है, आप देखोगे उनको ओवरहेड खेलते टाइम। तो सिर्फ एक एग्जांपल था। वहीं पे अगर इंटरनॉन के बारे में बात करो, उनका फुटवर्क टॉप लेवल पे नहीं है, जैसे 10 में से 8 होगा, देन उनका गेम प्ले गिनो तो 10 में से 8 होगा, देन उनके शॉट्स क्लियरेंस देखो तो 10 में से 8 होगी। तो एक चीज़ जो उनके बारे में टॉप, आप बोल सकते हैं ना कि बहुत बढ़िया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वुमेन सिंगल्स में 2 से 3 प्लेयर्स ही ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जिनकी गेम प्ले पसंद आती है, उनमें से एक इंटरनॉन है। और वही चीज़ उनको स्टेबलनेस, उनको सारे जितने भी मैचेस होते हैं ना उसके अंदर एक अपर हैंड दे देती है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ तो वुमेन सिंगल्स में ही बात करते हैं, जैसे आंसे अंग है, उनका गेम प्ले देखो तो वो सारे जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसके अंदर टॉप टीयर लेवल पे हैं। ऐसा कोई भी एस्पेक्ट्स उनका आप ऐसा नहीं खींच पाओगे जहाँ पे उनको थोड़ा बहुत आप, मतलब जैसे है ना कि उनका डिफेंस अगर वीक हो तो उसके ऊपर आप वार कर पाओ, ऐसा कुछ हो, तो उनके सारे जितने भी चीज़ें हैं ना वो सारे एकदम स्टेबल लेवल पे हैं। बट वहीं पर अगर इंटरनॉन की बात करें ना, तो इंटरनॉन एक अपर हैंड वैसे ले जाती है सारे प्लेयर्स के सामने, जो ये है ना कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि सामने अकाने यामागुची है, उनकी जो बोल सकते हैं कि वीकनेस या फिर बोल सकते हैं कि एक चीज़ है कि वो पूरे कोर्ट में इजी तरीके से नहीं पहुंच सकती जितने इजी तरीके से एक टॉल प्लेयर पहुंच सकता है। ऑफकोर्स मैं भाग चुका हूं, मेरी शॉर्ट हाइट है, मुझे पता है कोर्ट के अंदर क्या गलतियाँ होती है। तो इंटरनॉन जैसे, इंटरनॉन के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सामने वाला वार करके वो मतलब पॉइंट्स ले पाए उनके सामने, जैसे कि इंटरनॉन के पास ऐसा नहीं है कि उनकी अटैक वीक हो, अटैक बहुत बढ़िया करती हैं, हाँ टॉप लेवल का उनका अटैक नहीं है बट बहुत बढ़िया करती हैं, देन डिफेंस उनका टॉप लेवल का नहीं है, मैं अभी बताऊंगा, बट वो डिफेंस कर लेती है। तो वही चीज़ है, ऐसे प्लेयर को हराए तो कैसे हराए, इसके लिए आपको जब गेम प्ले, जब उतरते हो गेम में तभी आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। आप खेलते टाइम भी देखोगे, जैसे आप नेशनल या फिर इंटरनेशनल कहीं पर भी आप कोई भी मैचेस देखोगे, तो जब आप खेलने जा रहे हो तो आपको कुछ वीकनेसेस दिखेगी सामने वाले की, कुछ गलतियां दिखेगी या फिर कुछ भी हो, बट ऐसे प्लेयर्स को कैसे हराए जिनकी सारी गेम प्ले और सब कुछ एकदम स्टेबल लेवल पे है। ऐसे प्लेयर्स को हराने के लिए आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे आपके गेम प्ले के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि सामने वाला आपके शॉट्स को, स्मैशेस को डिफेंस कर देने वाला है इजी तरीके से, तो आपको स्मैशेस अलग जगह पे मारने होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस करना ही होगा। देन अगर इंटरनॉन जैसे ही प्लेयर आप खुद हो तो आप क्या चीज़ें कर सकते हो, तो आपको कोई भी डिफेंस या फिर कोई भी बोल सकते हैं कि चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि 10 में से 8 है, आप 8 को 9 कर सकते हो, 9 को 10 कर सकते हो, बट जब भी आप कोई एक एस्पेक्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दोगे, जैसे अटैक लेवल बोल दो, सॉरी अटैक लेवल को बहुत ज़्यादा कर दोगे, तो ऑफकोर्स आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी वेस्ट होगी, आपका फुटवर्क स्लो होगा, फुटवर्क स्लो हुआ पॉइंट गया, नेक्स्ट शॉट के लिए आप रेडी नहीं हो पाओगे। तो उसी चीज़ में इंटरनॉन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। ओलंपिक्स जब नेक्स्ट ईयर आने वाला है, उसके अंदर जो मैं बोला टॉप 4 पर्सन को देखता हूँ, उसके अंदर मैं एक इंटरनॉन को भी देखता हूँ, उनका गेम प्ले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वो टॉप टीयर के प्लेयर हैं, जब ऐसी बड़ी टूर्नामेंट्स होती है वो गेम प्ले ले जाती है। देन अगर हम एक और चीज़, वल्नरेबिलिटी, गलती पे भाई पूरा वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ, वल्नरेबिलिटी होती है, जो भी आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो वो ये कि वो क्या है, आप इंटरनॉन को कहाँ पे खींच सकते हो, तो एक चांस ये है कि आप रैली में एंगेज करो उनको, आप ट्राई करो कि इंटरनॉन गलतियाँ करे, वो 10 में से सिर्फ 2 या 3 बार ही गलती करने वाली, उससे ज़्यादा गलती नहीं करेगी, बट अगर आप रैली में उनको एंगेज करो, ट्राई करो कि वो अटैक करे, बाहर अटैक करे या फिर गेम प्ले कहीं पर भी थोड़ी गलतियाँ करे, तब आप इंटरनॉन के सामने पॉइंट्स ले सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आपके पास, जैसे मैंने बोला ना कि उनका डिफेंस 10 में से 8 पॉइंट्स है उनके पास, बरोबर, अच्छे तरीके से वो डिफेंस ज़रूर कर लेती है, बट आपका खुद का अटैक 10 on 10 है, मतलब 12 on 10 है, बहुत ज़्यादा अच्छा अटैक है,
तो आप टारगेट कर सकते हो किसी भी चीज़ में जिसमें आप इंटर्न ऑन से ज़्यादा बेटर हो, वहाँ पे उनको टारगेट कर सकते हो। ऐसे प्लेयर्स जो आपके सामने आए जिनका फुटवर्क, गेम प्ले सारा स्टेबल हो, कुछ प्लेयर्स आपने खेलते टाइम भी देखे होंगे जिनका गेम प्ले देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार उतना तो ज़्यादा इनका अच्छा गेम प्ले मुझे नहीं दिख रहा है, एकदम शांति से तो खेल रहे हैं बट स्टिल वो जीत कैसे जा रहे हैं। आपने कुछ प्लेयर्स ऐसे ज़रूर देखे होंगे जिनको देख के आपको ऐसे क्वेश्चन हुए होंगे कि यार ऐसी कौन सी ये चीज़ कर रहे हैं कि वो जीत रहा है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि यार अटैक करके पॉइंट ले रहा है ये, बट वो जीत जा रहा होगा। तो वो यही है, ऐसे ही प्लेयर्स वहाँ पे जीतते हैं इंटर ऑन जैसे। बहुत ज़्यादा अच्छी खासी जीतने सीखने से ऐसी चीज़ है कि आप स्टेबल, जैसे अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी एस्पेक्ट्स ले लो उसमें बोल सकते हैं ना कि आप उनको एवरेज भी नहीं बोल सकते, आप उनको टॉप भी नहीं बोल सकते, 10 में से 8 पॉइंट्स दे सकते हो सारी चीज़ों में, तो वो चीज़ उसमें बहुत बढ़िया है। उनको एरर्स करवाओ पॉइंट्स लेने हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं अकाने यामागुची की। अकाने यामागुची का जो उनका बोलता है ना कि उनका एडवांटेज है ना, वही उनका डिसएडवांटेज भी है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो जब मेरे जैसे होता है ना हाइट वाले 5'5", 5'6", 5'7" वाले, मतलब ऑफकोर्स एक एवरेज मेल जो होता है ना वह मैन सिंगल्स में खेलता है उनकी 5'10", 5'9", 11" के आसपास हाइट होती है तो वो एक एडवांटेज बन जाता है। बट एंथोनी गिंटिंग है, मेरे जैसे हाइट वाले छोटे प्लेयर्स हैं, वो जब कोर्ट में खेलने जाते हैं ना तो उनको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अड़ती है, वो ये है कि हम पूरे कोर्ट में इजी तरीके से नहीं पहुंच पाते, जितना इजी तरीके से मेरे सामने एक टॉल प्लेयर है वो पहुंच जाता है। तो यहीं पे यहाँ पे बात आती है वुमन सिंगल्स में। वुमन सिंगल्स में जो एवरेज हाइट्स भी बोले ना उसमें भी अकाने यामागुची थोड़ी बहुत उनसे भी नीचे आती है। तो वो क्या करती हैं ऐसा कि वो टॉप वन बनी हुई थी लास्ट 1 या 2 साल से, वो टॉप नंबर वन बनी हुई थी, वो ऐसी कौन सी चीज़ें एडवांटेज में करती है जो टॉप नंबर वन पे वो बनी हुई थी, वो ये है कि उनका स्पीड अप और फुटवर्क, भाई नॉन गिविंग अप एटीट्यूड जो है उनका, कि वो कहीं पे भी कोर्ट में भाग जाएंगी, रिटर्न कर देगी, वो भी ऐसे तरीके से प्रॉपर फुटवर्क लेके। ऐसा नहीं हो भाग भाग के कर रही हो कि यार कहीं पे कूद के पहुंच गई या फिर कुछ भी करके, आप उनका फुटवर्क देखोगे कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार वो भाग रही है या फिर वो रनिंग कर रही है कोर्ट के अंदर, उनका फुटवर्क स्पीड अप लगेगा आपको। सिमिलरली जब आप एंथोनी गिंटिंग को देखोगे, उनका भी फुटवर्क कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो रन कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, फुटवर्क बहुत ही बढ़िया है इन दोनों का। यही चीज़ उनको एक नेगेटिव में बनाती है। क्यों बताती है, जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग करोगे ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ब्रीदिंग फास्ट हुई उतना ही स्टेमिना कम होगा, ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा कम होगी, आपको थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा ही। बट जब आपको भाई फास्ट तो मूव करना ही पड़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि आपके सामने टॉलर प्लेयर या फिर कोई है जो आपको चारों कॉर्नर पर भगाता रहेगा, तो वही चीज़ है जब आपको सामने वाला भगा रहा है भगा रहा है भगा रहा है तो आपकी एनर्जी कम होने वाली है। आप कितना भी फास्ट भाग लो 30-40 रैली के बाद आपके पैर मूव करने बंद हो जाएंगे, और अगर आपके सामने टॉलर प्लेयर है तो उससे ज़्यादा तो स्टेमिना आपका ख़त्म हो गया। तो जो एडवांटेज है वही एक थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी है, बट इसी चीज़ में एक एंड्योरेंस लेवल होता है। एंड्योरेंस से मतलब मेरा ये कि किसी भी चीज़ को वो कितने देर तक वो एलोंगेट कर सकते हैं। जैसे कि उनके पैर दर्द ज़रूर कर रहे होंगे एक 30-40 की रैली हो जाए उसके बाद, बट उसके बाद भी वो कंटिन्यू कितना खेल सकती है सेम लेवल के गेम प्ले के साथ, तो वही होता है एंड्योरेंस की वो कितना खींच सकती है वही चीज़ को एक टाइप के ही स्टेमिना को लेकर। तो उस चीज़ में अकाने यामागुची टॉप टीयर लेवल पर आती है। तो यही सारी चीज़ें थी अकाने यामागुची के बारे में, उनके फुटवर्क और गेम प्ले के बारे में। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि उनका फुटवर्क एग्रेसिव फुटवर्क है, आपको उनके फुटवर्क में ऐसा लगे कि वो सिर्फ रनिंग कर रही है। एग्रेसिव फुटवर्क से मेरा मतलब ये है कि वो शॉट्स को पहुंच जाती है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले देखो यहाँ पे वो ये तो बाहर है, शायद उनका जजमेंट गलत है, शायद ओके बैक जाए वो, जब भी देखना बैक में कहीं पे भी जाए तो वो शॉट्स देखना वो कैसे खेलती है, उनके अकाने यामागुची को देखना। देखो यहाँ से वो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, वो जंप्स लेती है जब भी पीछे के कोर्ट में उनको जल्दी फास्ट जाना होता है, वो जंप्स लेती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो जंप जब भी लेती है उनके पास शॉट्स का वेरिएशन बढ़ जाता है। जब भी आपके पास शॉट्स का वेरिएशन बढ़ जाता है ना तो आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप शॉट्स को अलग अलग तरीके से खेल पाओ। जैसे जंप लिया जैसे अकाने यामागुची ने, उनके पास स्मैश बन जाती है, टॉस बन जाता है, ड्रॉप बन जाता है, और वो ट्रिक शॉट भी खेल सकती है। तो यही चीज़ होती है कि अकाने यामागुची एग्रेसिव फुटवर्क यहीं पर है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ड्रॉप्स भी बहुत फास्ट ड्रॉप्स खेलती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर वो स्लो ड्रॉप खेलेंगी तो उनको सेंटर में ड्रॉप खेलने के बाद उनको सेंटर में भी आना पड़ेगा, और सेंटर में आने के बाद उनको फ्रंट में भी जाना होगा वो ड्रॉप को रिटर्न करने के लिए। तो वही चीज़ है कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी उस चीज़ में। बट अकाने यामागुची इस चीज़ में बहुत ही बढ़िया है यार। आपको उनके फुटवर्क, जैसे मैं एज अ प्लेयर 2-3 प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा देखता था मेरे इंप्रूवमेंट्स के लिए, जैसे अकाने यामागुची है, देन टाई ज़ुइंग है, ऑफकोर्स मैं वुमन सिंगल्स भी बहुत ज़्यादा देखता था, भाई इनकी गेम प्ले बहुत बढ़िया रहती है।
देन मेल के अंदर देखो तो एंथोनी गिंटिंग है, जो मुझे फुटवर्क के बारे में बहुत ज़्यादा सिखाते थे, उनके फुटवर्क से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने मिला है। तो आप देखो आपकी हाइट कैसी है और आपकी हाइट के जो अदर प्लेयर्स हैं वो कैसे खेल रहे हैं। देन एक और चीज़ है कि आपका नेचुरल फुटवर्क क्या है। नेचुरल फुटवर्क सबका एक अलग होता है कि आप कैसे खेल रहे हो, तो वो चीज़ कौन से प्लेयर के साथ रिजेंबलेंस लगा रही है, वो चीज़ों के बारे में आप देख सकते हो। तो यही सारी बेसिक चीज़ें थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो कि क्या कौन से फुटवर्क को कैसे देखना है, रिलीज एनालिसिस कैसे करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये वीडियो में इतना ही था।